नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां फातिमा स्कूल में 29-30 मार्च को क्वारंटीन किए गए लोगों को उनके घर भेज दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में सदर तहसीलदार और थाना प्रभारी इसरा लखनसी के अलावा कई लेखपाल मौजूद थे। खास बात यह थी कि अधिकारियों ने सबको छोड़ने से पूर्व सेवा में किसी प्रकार की कमी के लिए खेद व्यक्त किया। साथ ही साथ थाना प्रभारी ने लोगों को आगे भी 14 दिन के लिए एहतियात घर में अलग रहने की बात कही। 7 बसों से सभी को उनके घरों और मोहल्लों तक भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। 22 लोग ऐसे थे जिनका जांच सैंपल के लिए भेजा गया था, उन्हें रात में रिपोर्ट आने के बाद छोड़ दिया गया। अब देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। इसी तरह का कष्ट ना हो, अगर आप लोग सोचेंगे तो ये सोचें कि जिस घर में शादी विवाह रहता है, हम लोग को 800 लोगों का खाना डेली बनाना था, अचानक जिस दिन आप लोग आए उसी दिन हम लोगों ने व्यवस्था किया, तो थोड़ी बहुत कमियां तो रही होगी। आप लोग के घर शादी विवाह होता होगा तो एक महीना पहले से प्रोग्राम शुरू करते हैं, और हम लोग को अचानक उसी दिन से व्यवस्था करना पड़ गया, तो थोड़ी सी समस्याएं आई। फिर भी हम लोगों ने जितना संभव हो सका आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे भोजन देने का प्रयास किया। समय से भी देना था, इस क्वारंटाइन के ये लॉकडाउन के समय में सारे कर्मचारियों को भी अवकाश दे दिया गया था। ऐसी स्थिति में हम लोग इकट्ठा होने के लिए बहुत प्रयास किए। पुलिस प्रशासन की तरफ से हर जगह पर बंधन है कि कोई कहीं से ना निकले। जहां मोटरसाइकिल से निकल रहे थे उन लोगों को मोटरसाइकिल पकड़ करके और रोक दिया जाता था, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया। और इसके बाद आप लोगों से एक बार पुनः अनुरोध है कि जब आप घर जाएंगे तो आप लोग किसी से नहीं मिलेंगे। एक ये अगले 14 दिन तक आप लोग 26 अप्रैल तक पुनः अकेले रहने का प्रयास करेंगे। घर से निकलेंगे तो फिर लोग फोन करेगा कि ये 26 तारीख तक के लिए छोड़े गए हैं और ये बाहर घूम रहे हैं, तो फिर पकड़ करके आ जाएंगे, फिर 14 दिन बंद रहेंगे। उससे अच्छा होगा कि आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो अपने घर में ही रहेंगे 14 दिन तक, और देश का साथ देंगे। दूसरे देश की स्थिति आप लोग तो टीवी देख नहीं रहे, और दूसरों को भी बचाएं। इसकी समस्या इन सारे उद्देश्यों के साथ आप यहाँ से जाएं, और कम से कम जो आपके मोहर लिखा भी है और निर्देश भी है और सुझाव भी है, आप पूर्णतः इसका पालन करें ताकि इस महामारी से लेकिन मनसा किसी को दुख पहुंचाने की नहीं रहती है। मनसा एकमात्र है जो पूरे देश का है, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और ये जो महामारी है इसका दुष्प्रभाव किसी पर ना पड़े, ठीक है। इस उद्देश्य से आप लोग जाइएगा कि आप लोग भी अभी स्वस्थ रह सकें, दूसरे से आप पा जाए बासवर है न। आप यहाँ रहे 14 दिन कठिनाइयों के साथ, हो सकता है आप भीड़ में कहीं जाए कोई और संक्रमित है, उससे आप संपर्क आएंगे फिर आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए आप स्वयं बचें और दूसरों को भी बचाएं। इन सारे उद्देश्यों के साथ आप यहाँ से जाएं, और कम से कम जो आपके मोहर लिखा भी है और निर्देश भी है और सुझाव भी है, आप पूर्णतः इसका पालन करें ताकि इस महामारी से पूरा समाज देश लड़ सके, लड़ रहा जीत सके।